हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजीव मौर्या और आपका इस चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये पेंसिल शार्प किस तरीके से करें। तो आप शार्पनर से शार्प करते होंगे या कटर से शार्प करते होंगे या आपने कितने आर्टिस्ट को देखा होगा ऐसे शार्प करते हुए। तो आज की इस वीडियो में हम ना कुछ एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जो आप सबको नहीं पता होगा और शायद जिनका आपने देखा होगा वो भी इस तरीके से नहीं करते होंगे। तो चलते हैं। तो हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हमारी पेंसिल और कटर। तो शार्पनर की तो ज़रूरत है नहीं, तो शार्पनर को हम हटा देते हैं। तो आपके पास कटर ज़रूर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ऐसा कटर, आपके पास 10 रुपये वाला भी कटर होना चाहिए। 10 रुपीज़ में आपको मतलब स्टेशनरी पे मिल जाएगा। तो 10 रुपीज़ वाला ये आपको कटर लेना है और एक नॉर्मल पेंसिल, क्योंकि साथ में सीखना है हमें, तो आप नॉर्मल करो या जैसी मर्जी करो, आपकी मर्जी। तो एक अलग से टिशू जिसपे इसके छिलके या जो भी डस्ट हो वो हटे। तो हमें इसे बिल्कुल आराम से इस तरीके से, इसको इस तरीके से हमें यूज़ करना है। सिर्फ यहाँ पे लगा के पीछे से पुश करना है इस तरीके से, और ज़्यादा तेज प्रेशर नहीं मारना। तो इस तरीके धीरे 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 हमें करते जाना है। अब जब ये आपको आपके अंदर की लेड दिख जाए तो इसको बिल्कुल आराम से आप करना, ताकि वो लेड घिसे नहीं, हल्का सा इस तरीके से। बस ऐसे ही करके हाथ से प्रेशर देते रहना। और जब इस जगह आ जाए तो बिल्कुल आराम से नीचे से एक हाथ, एक उंगली का सपोर्ट दे देना, ऊपर से बिल्कुल आराम से ऐसे धीरे धीरे ले जाना। इसको आपको बिल्कुल आराम से करना है ताकि आपकी पेंसिल टूटे ना, वरना ये इस तरीके से करने से पेंसिल जो होती है वो टूट जाती है। जैसे अभी ये दिखा, आप ज़्यादा हार्ड मत करना, बिल्कुल आराम से उनके हाथ से ऐसे धीरे धीरे शार्प करते चला जाए। तो हमारी ये पेंसिल हो गई है शार्प। अब देख रहे होंगे किस तरीके से। तो इस तरीके से साफ करके आपने दूसरों को देखा होगा कि वो कोई इस तरीके से कर रहा है ऐसे। या कोई ऐसे सैंड पेपर पे कर रहा होगा। तो हमें सैंड पेपर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सैंड पेपर आपके प्लम्बर के शॉप पे या ऐसे पास में किसी दुकान पे आपको मिल जाएगा। ये सैंड पेपर है, ये 15 रुपये या 20 रुपये तक मिल जाएगा आपको आसानी से। तो हमें इसी के छोटे टुकड़े कर देना है। तो इसके भी आपने, इसको भी आपने देखा होगा कि ये इसके ऊपर भी ऐसे से घिसते हुए या ऐसे या इस तरीके से है ना। तो आज की वीडियो में हमने क्या बताया था कि हमें कुछ न्यू ट्राई करना है। आज के वीडियो में हम आपको एक न्यू ट्रिक बताएंगे किस तरीके से करना है। तो हमें लेना है सैंड पेपर, उसको ऐसे फोल्ड कर देना है जैसे दिख रहा है आपके इस वीडियो में। तो इसके अंदर ये चीज ऐसे करके और फिर इसको ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे से इस तरीके से करके, इससे ये रहता है कि पेंसिल बिल्कुल सीधे से अंदर जाती है और बिल्कुल आराम से वो टूटता भी नहीं है, और आराम से बिल्कुल धीरे 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 वो साफ भी हो जाता है। और अपने इस अंगूठे से और इस उंगल से इस तरीके से दबाइए और धीरे धीरे बिल्कुल, तो वो और ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ेगा तो वो घिसेगी पेंसिल जिस तरीके से घिस रही है, और इसके अंदर पूरा
ये इकट्ठा भी होता रहेगा। तो इस वीडियो के लिए हमें एक आर्टिस्ट ने बोला था, तो उन पे हम वीडियो बना रहे हैं, और उन्होंने कमेंट करके बोला कि सर आप जरूर बताना है पेंसिल शार्प कैसे होता है और रियलिस्टिक पोर्ट्रेट कैसे बनाएं, आईज नोज टिप्स। तो आने वाले वीडियो में हम उन सब पे वीडियो बनाएंगे। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाएं। तो आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें। इस तरह से आप देखिए ये शार्प हो गई। साफ करते 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 तो इसमें हम इस तरीके से कर दें, इसको साइड में रखें और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से, तो ये देखिए हमने क्या कितनी पतली साफ कर दी। पास से दिखा देते हैं हम, आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से शार्प हो जाता है और हम इससे हमारा काम बिल्कुल डिटेल में होता है। और अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए तो हम इस पे भी वीडियो लाएंगे आपके लिए कि ये किस तरीके से काम करें इस शार्प पेंसिल से, ये इसका यूज कहाँ पे होता है और किस तरीके से यूज होता है, तो हम उन सब के बारे में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग।